वक्त आप सब जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे रानोपाली से जो रोड निकल के आपका चला जाता है नाका पर, वहाँ पे आपका ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। घर को 1.50 और 4.40 आप देख सकते हैं। तो मार्किंग की बात कर रहे थे, तो ये यहाँ आप देख सकते हैं 5.64 मीटर यहाँ पे ये जाएगा, और इधर आपका देख सकते हैं 6.23 मीटर, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं 6.23 मीटर। ये आपका रोड 24 मीटर में जो चौड़ी ग्राउंड है यहाँ पे भी वेडिंग किया गया है, और ये आपका रोड डायरेक्ट निकलता है जालपा, क्योंकि जहाँ से आप अयोध्या में एंट्री करते हैं वहाँ पे ये निकलता है। तो आगे चलिए, वीडियो में बने रहिए मेरे। ये अपना फैजाबाद से जो अयोध्या ट्रैक आया हुआ है वहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आगे का प्रोजेक्ट रखा गया है, बट अभी कुछ है नहीं। यहाँ पे शायद ओवर ब्रिज बनना है, अगर अपडेट मिलेगा तो हम आपको बताते रहेंगे। चौड़ाई जो है 18 मीटर है, और यहाँ पे यहाँ पे बट अब हो रहा है। अभी इसका कोई आगे प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन बाकी सारे जितने भी कुंड है सब पे कुछ ना कुछ हुआ ही है, उसको नवीनीकरण किया ही गया, बट अभी इसका नहीं हुआ है। शायद किसी काम और सबका होगा, अपडेट मिलेगा तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहुँचा दें। आपका राम जन्म भूमि 2.5 किलोमीटर रह जाता है, और ये वो चौराहा है आपका मोहब्बला चौराहा, ये आपका चला जाता है सूरकुंड, और ये आपका अयोध्या, और ये आपका चला जाता है सीधे जालपा मेन गेट पे। और यहाँ पे शायद अभी मार्किंग हुई नहीं है, हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे। कहीं देख नहीं रहा है, तो हम मार्किंग ढूंढ ही रहे थे यहाँ पे आपके परिक्रमा मार्ग पे, तो हमको मार्किंग मिल चुकी है। एक मार्किंग हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मीटर, ये 1 मीटर चौड़ा होगा, और इसके ठीक सामने मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे आपका 2.20 मीटर, ये जो आप देख सकें दुकान, ये 2.20 मीटर चौड़ा होगा, और इधर 1 मीटर लिया गया है। तो यहाँ पे अभी चौड़ीकरण का काम नहीं चालू किया गया, क्योंकि शायद नोटिस दे दी गई है कि नहीं दी गई हमको नहीं पता, बट हम आपको अपडेट दे देंगे कि यहाँ पे नोटिस मिला है कि नहीं मिला है। और ये आपका रोड है, आप देख सकते हैं 12 से अधिक है, बट इसको 24 हमको करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिज का काम है आप देख सकते हैं आधा से ज़्यादा हो चुका है,
ओवर ब्रिज है जो बना है आपका रानोपाली और नाका। ये ब्रिज आपका डायरेक्ट जाएगा, ये नीचे है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था अगर क्रॉसिंग पड़ता था तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता, बट अब वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा इस ब्रिज के वजह से। ऐसे बहुत